क्या आपका भी मन करता है सुबह सुबह नाश्ते में कुछ ऐसा खाने का जो चटपटा भी हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी जो इससे पहले ना आपने कहीं देखी होगी और ना ही कभी बनाई होगी हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे सिर्फ एक चम्मच तेल से सूजी का बहुत ही हेल्दी और चटपटा नाश्ता तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सूजी का ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डाल देंगे एक टी ऑयल इसी के साथ साथ आधा टी स्पून चिली फ्लेक्स एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और दो कप पानी यहां पे हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक और इसे बॉयल होने देंगे तो जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे इसमें हम डाल देंगे एक कप बारीक वाली सूजी तो यहाँ पे मैंने जिस कप से पानी लिया था उसी कप से नाप के जो है सूजी ली है तो जब पानी में सूजी ऐड करें तो गैस की फ्लेम लो पे रखें नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे इसे इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक से दो मिनट में ही सूजी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी और पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लेगी तो यहाँ पे सूजी को हमें डो फॉर्म में ले आना है और आप देखिए पूरी तरह से ये डो फॉर्म में आ गया है इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे और एक मिनट के बाद इसे चलिए मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ एक प्लेट में थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे तो स्पैचुला से इस तरह से इसे स्प्रेड कर लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो मतलब आपके हाथों को सहन हो सके ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो हथेलियों पे एक ड्रॉप ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे तो इस तरह से अच्छे से इसे स्मूथ कर लेना है तो इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो तैयार है अब थोड़ा सा डो लेके हम इसके बनाएंगे बॉल्स तो यहाँ पे एक बड़े चम्मच डो ले लिया है मैंने हाथ पे और इसे इस तरह से घुमाते हुए जैसे बॉल्स बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे बिल्कुल बॉल के शेप का तो आप अपने मनपसंद इसे थोड़ा सा चिपटा या ओवल शेप का भी बना सकते हैं तो सेम तरीके से दूसरा वाला भी मैं बना लूंगी तो यहाँ पे जो भी सूजी बॉल्स बनाए उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें कोई भी क्रैक्स ना हो तो ये बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ सा बॉल्स आपको बना के तैयार करना है तो यहाँ पे सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं पानी मैंने सबसे पहले बॉयल होने के लिए रख दिया था उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से सारे सूजी के बॉल्स तो सारे सूजी के बॉल्स ट्रेनर के ऊपर हम असेंबल कर लेंगे और इसे कवर करके करीब 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे तो 10 मिनट बाद चलिए इसे खोल के चेक कर लेते हैं तो सूजी बॉल्स हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं इसे हम निकाल लेंगे तो सूजी बॉल्स को स्टीम होने में करीब आठ से दस मिनट का टाइम लगता है आप इन बॉल्स को थोड़े छोटे साइज में भी बना सकते हैं अब सूजी बॉल्स स्टीम होकर रेडी हैं। पैन में हम डाल देंगे एक टीस्पून ऑयल और अब यहाँ पे ऐड करेंगे आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड आधा टीस्पून ही है सीड एक से डेढ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें सफेद तिल सारी चीजों को चटकने देंगे और यहाँ पे डाल देंगे करीब आठ से दस लीव्स इन्हें हम थोड़ा सा सौटे करेंगे अब इसमें ऐड कर देंगे जूलियंस में कटे हुए अदरक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्यूब्स में कटे हुए प्याज शिमला मिर्च और टमाटर टमाटर के सीड मैंने निकाल लिए थे इन सारी चीजों को मैंने क्यूब्स में काट के ऐड किया है आप चाहें तो इन्हें जूलियंस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स को हमें ओवर कोक बिल्कुल भी नहीं करना है तो इसे एक मिनट तक सौटे करेंगे अब इसमें ऐड करेंगे आधा टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर आधा टी स्पून चाट मसाला पाउडर और एक टी स्पून लेमन जूस थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि हमने सूजी बॉल्स में भी नमक ऐड किया था तो इसलिए एक चौथाई टी स्पून ही नमक ऐड किया मैंने इसे थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम सूजी बॉल्स को इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया तो इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे तो बस हमारा सूजी का जबरदस्त नाश्ता बन तैयार है तो चलिए गैस को ऑफ करके इसे सर्व कर लेते हैं तो सिर्फ 15 मिनट में बनने वाला ये सूजी का नाश्ता आप रोज बना के खाएंगे तो भी आपका मन नहीं भरने वाला है ऊपर से मैं थोड़े से पीनट के साथ इसे गार्निश कर रही हूँ तो सिर्फ पंद्रह मिनट में बन जाने वाले इस चटपटे सूजी के नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आने वाले हैं और इस एक चम्मच तेल से बनने वाले नाश्ते को आप अपनी वेट लॉस जर्नी के टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं आप इसे रोज बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं तो आप भी अपने घर में इस चटपटे हेल्दी सूजी के नाश्ते को बनाएं और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरे हेल्दी टेस्टी सूजी के नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक करें मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन टेक केयर एंड बाय